सो जे ही सुमिरत सिद्धि हो अगन नायक करीवर बदन अकरहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन अमुक हो ही बचाल पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन अजासु कृपा सदयाल द्रवउ सकल कली मल दहन अनिल सरोरुहु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन अकरउ सम मौर धाम सदा क्षीर सागर शयन अबंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि अमहामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनि कर अकुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणायन अजाहि दीन पर करहु कृपा मर्दन मयन हर हर महादेव हर हर महादेव जय शिव शंभु जय शिव शंभु। तो अनुभव किए कि वास्तव में श्री राम जी की भक्ति किस प्रकार करनी ना? तो एक बार फिर से समझ ले कि मन निर्मल हो तभी श्री राम नाम का बीज मंत्र चित्त में रखना चाहिए। निर्मल का अर्थ है कि अहम भाव का कहीं जगह आत्मा से ही शरीर चल रहा है और आत्मा ही शरीर के असली स्वामी, यही ना गणेश जी? और यह बात समझने में कोई ज्यादा कठिनाई तो नहीं होनी चाहिए, ठीक ना? और यह समझ लेना चाहिए कि रावण कंस और भी जो खर दूषण बाली त्रिशिरा इतने बड़े बड़े अहंकारी का अहम तो रहा ही नहीं, तो फिर आज के जीव का अहम रहने वाला? तो जब अहम समाप्त हो जाए तो हम नहीं तो हमारा कौन? हाँ, प्रभु की लीला है उसमें सबको पता है कि माता हो, बहन हो, पत्नी हो, पुत्री हो, हर एक के बीच में तो परम पवित्र संबंध होता, सबके बीच की जो भावनाएं हैं वो परम पवित्र, और पति पत्नी तो दो होते ही नहीं, वो तो एक होते हैं, वहां तो दो का भाव भी
नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे मन वाणी और कर्म से एक होते हैं। ठीक ना? आज बुद्धि सबकी पलट गई है, कुमति के बस में चले गए हैं लोग, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। खैर कोई बात नहीं, राम खिलावन भाई समझ रहे हैं। ठीक ना? ठीक। तो सद्गुरु शिव जी से ही उपदेश लें, तो शिव जी की रचना ही है तो श्री रामचरितमानस, तो इससे बड़ा उपदेशक कौन हो सकता? ठीक ना? रामायण तो दिख रहा है ना, तो ये बाहर का गुरु और अंदर का गुरु शिव जी। भले आपको ने गुरु के ढूंढा जीवे, और यह जो वाणी जा रही है यही वाणी ही सच्चा संत, क्योंकि और किसी के पास सच्चे संत का चरित्र करने का ताकत नहीं। यही ना? तो ऐसे गुरु जी से उपदेश लेकर श्री राम नाम का बीज मंत्र चित्त में धारण कर प्रत्येक श्वास में वही होना चाहिए। माने ऐसा कोई क्षण न हो कि सेवक और स्वामी का भाव बिसर जाए। माया जगत का जो भी कार्य हो वह शांति, सुमति, पवित्रता तीनों को स्थिर रखते हुए ही हो। ऐसा नहीं कि इसमें हलचल करके दौड़ना है, कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हर जीव अपने कर्म का फल भोगता है। यहां तक कि आदर्श सिद्धांत श्री राम जी का भी है, मनु और शत्रुपा जी की तपस्या से द्रवित होते हैं तो उनको भी पुत्र के रूप में आना है और वनवास काटना है, उनको भी लौकिक रूप से नहीं, हाँ सहना ही पड़ेगा। इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी कर्म होगा हर कर्म फल देने वाला, तो श्री राम जी हो चाहे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हो, चाहे दधीची जी हो, सीवी जी हो, मनु महाराज हो, राजा दशरथ जी हो, नहीं चाहे वो रविशंकर जी क्यों ना हो, है कर बहुत परोपकारी है तो शरीर या तो नहीं के बाबा ने तो ओके, तो देखो वही रास्ते पे चलाई के पड़ी नहीं। हाँ तो अब देख रहे हैं कि ना तो इच्छा उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो दूसरे की इच्छा से चल सकते हैं, ना कोई शुभ इच्छा ना अशुभ इच्छा, सिर्फ भगवान शंकर जी की प्रेरणा से जो चरित्र हो रहा है तो उससे कुछ सुख दुख का कहीं उनमें नामो निशान, फिर वह परमानंद की अवस्था है। अगर मन कहीं जा रहा है तो वही समस्या, तो मन को कहीं ले जाने की आवश्यकता, तो उसी राम नाम का बीज मंत्र का जाप करना चाहिए जिसे शिव जी नित्य निरंतर जपा करते। ठीक ना? और दृढ़ अनुराग माने परम पवित्र रूपी, परम पवित्र प्रेम रूपी जल से तर्पण करना चाहिए, और सहज
यानी स्वाभाविक स्नेह। स्वाभाविक स्नेह जैसे बना लेते हैं माई से, बहू से, माताजी, पिताजी, पत्नी जी, बिटिया जी, बेटवा जी, कुल जी है ने, इनसे अपने अपने अनायास प्रेम हो जाता है। तो वह प्रेम श्री राम जी के साथ होना चाहिए। तो कब होगा स्वाभाविक प्रेम उनसे? जब ममता रूपी मल का एक भी अंश चित्त में नहीं रहेगा। निष्काम सेवा के लिए आजीवन आप पढ़े हैं, जिस आश्रम में करते रहिए, लेकिन उसमें आसक्ति नाम का जगह नहीं है। आसक्ति का कहीं स्थान नहीं है। समझ में आया? आसक्ति यानी लगाव। अगर आसक्ति है तो प्रेम पवित्र नहीं है। तो ऐसे स्वाभाविक स्नेह का घी बनाना चाहिए, ठीक ना? माने स्वाभाविक स्नेह हो, वो दिखावटी नहीं। ठीक ना? घी हो गया, समिध जानते हैं? समिध साकला, जब हवन करते हैं तो घी और साकला दो चीज होता है ने। तो क्षमा रूपी अग्नि तैयार करें और संदेह रूपी समिध का, संदेह रूपी साकला क्षमा रूपी अग्नि में डाल के स्वाहा करना, यानी संदेह का कहीं जगह न हो। ठीक है? शरीर से जो चरित्र हो रहा है, कोई थोड़ा सा भी अगर बुद्धि जिसके पास होगा उसका शंका तो एकदम जल जाएगा, नहीं गणेश जी? अरे मुर्गी मुर्गा बकरा का बलिदान नहीं होता है, ममता का बलिदान करने का वास्तविक नियम है ने? तो गणेश जी आप तो कर देबे, लेकिन जो मेरे रुआ होली ना, हम माँ, हमारा बेटा मुझे कहता है माँ, नहीं, माँ तो ममता की मूर्ति, ममता ही सभी पवित्र यश का नाश करने वाला बड़ा खतरनाक रोग, ठीक ना? तो ममता का बलिदान होता है। ये सब जो राक्षस लोग निकाल दिए हैं जीव हत्या, ये सब कलयुग के भाड़े के नौकर हैं, यह कोई बलिदान का तरीका, क्योंकि वैज्ञानिक भाषा में जान लीजिए, कभी भी काटने से अगर आप किसी जीव को काटेंगे तो सात्विक भाव पैदा ही नहीं होगा, क्रूरता, उसे कहते हैं सीडेटिव डिजीजेज ऑफ द माइंड। वह मन का एक सीडेटिव डिजीज है जिससे क्रूरता और निर्दयता होता है। काटने वाला जीव के अंदर कभी श्रद्धा भाव हो ही नहीं सकता है। वाह, समझे? नहीं तो धरती पर कोई भी हो, ये सब जितने भी निकले हैं सब प्रदूषित बुद्धि के कल्पना मात्र, ठीक ना? क्योंकि देखिए होता क्या है इसमें कि लोग साधते हैं और जिसको जहां से प्रेरणा मिल गया उसी को वो जो है अस्थाई समझ लिया, उसी को
जैसे वो बुद्धवा था, समझे। वो अपना तपस्या करते करते कहीं जा रहा था तो कोई जो है कि एक पाखंडी था, अब वह मांस बनाया था तो बुद्ध बोला हम मांस नहीं खाते हैं, तो उसको वह फल बना दिया। हाँ, जो उसके पास सिद्धि उग्र थी उसके प्रभाव से, तो उसने जो है कह दिया कि नहीं, ऐसे जीव का मांस खा सकते हैं, कोई समस्या नहीं, मांस खाने से कुछ नहीं होता। अब देखिए, जो वेद में आदर्श आधार है परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, वह कटा और वह नास्तिकता का परम प्रमाण व्यक्ति को सब मूर्ति बना के पूज रहे हैं। महामाया का लड़का था और उसको सब जो है भगवान समझ बैठे हैं, क्योंकि सेक्स के द्वारा कभी परमात्मा का अवतार होता ही नहीं। और गणेश जी इस बात का खुलासा कर दिए, जो जहां फंसा हो निकल ले, अगर भगवान की भक्ति चाहता है। ऐसे लोगों का मुंह देखने से पाप चढ़ जाता है, समझे। लेकिन सब यहाँ पर हाँ हमारे यहाँ आते रहिए, ये सब निकृष्ट जीव है ना, ये सब आपसे में संबंध बनाने में, किसी से संबंध रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धरती का प्रत्येक प्राणी कपट का शिकार हो चुका है। ये सब सिर्फ परम चेतना की जागृति के लिए है, क्योंकि धरती का एक व्यक्ति सन्मुख नहीं हुआ। इस बात को कान खोल के पूरे धरती के वासी समझ ले कि पूरा पाखंड से व्याप्त है, कहीं उससे शांति मिलने वाला 5000 वर्षों में जो कुछ भी कलयुग ने कुचाल किया है उससे सब ऐसा हो चुका। उच्चाटन, वशीकरण और मारण, तीन क्रियाएं पाखंडी लोग करते हैं। जैसे किसी का मन किसी और से जुड़ गया हो तो वहां से उसका मन उचट जाए, ठीक ना, तो उसका उच्चाटन कराते हैं। कोई हमारे बस में होके चले तो उसके लिए वशीकरण करते हैं, और अगर कोई मान नहीं रहा है तो उसके लिए मारण मंत्र का भी, कि फिर वो अगर बस में नहीं आ रहा तो वो खत्म हो जाए। और इतना जान लीजिए खिलावन भाई, अब बात चली है तो इसको अच्छे से समझ लें कि इस शरीर के ऊपर तीनों क्रियाएं कई बार किया जा चुका है, जाने? और जो लोग अपने कहलाते हैं उन लोगों ने यह सब क्रिया किया है, और जो क्रिया करने वाले लोग हैं वे बहुत ही, उसमें तो कुछ मर गए और कुछ भोग रहे, लेकिन यहाँ कुछ होने वाला नहीं। तो उच्चाटन करना ही है तो पापों का उच्चाटन करिए, पाप चित्त को छू न सके। और वशीकरण करना है तो मन का वशीकरण करें, माने मन के द्वारा श्री राम जी के अलावा कुछ न सोचे, ठीक ने। यही हो गया वशीकरण। जीभ, नाक, आंख, कान, चमड़ा, धन, वंश, चेला, नाम, पूजा, प्रतिष्ठा, ठीक ने। हाँ, ये सब कि कामना मन में न हो, तब तो समझे कि आपका मन बस में है। अगर इन सब की कामना है तो इसका अर्थ है कि मन आपका बस में नहीं है। अहंकार और कामना का मारण करिए, देखिए वही कर रहे हैं। और आकर्षण करना है तो स्वाभाविक संतोष और अखंड ज्ञान रूपी संपत्ति का
आकर्षण करना चाहिए। जिसने भी इस प्रकार से प्रभु श्री राम जी का भजन किया उसे श्री रघुनाथ जी अवश्य मिले हैं, ठीक ना? लेकिन क्या करेंगे, अब यहाँ स्थिति है कि माया के विवश सब हैं, यानी और जब माया के विवश कोई जीव होता है जिसको दिमाग में यह बैठ जाए यानी कि धन के लिए शरीर छूट जाए लेकिन एक सिक्का के पीछे कभी दौड़ेंगे नहीं, सत्य से जो आ रहा है आमदनी हो रहा है उससे निष्काम सेवा करिए, लेकिन धन के पीछे जो है या रूप के पीछे जो भी दौड़ेगा वह मूढ़ हो जाए, ठीक ना? तो क्योंकि जो भी माया के बस में होता है, नारद जी माया के बस में हुए ना, तो क्या हुआ, वे ऐसे मुनि हैं जो कि ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं, वे भी मूढ़ हो प्रमाण के लिए माया विवश भये मुनि मूढ़ा समुझी नहीं हरि गिरानी गूढ़ा। या नहीं देखें बड़ा बढ़िया जो है सुंदर लड़की बा है, हाथ में ईशान रेखा पड़ा बा कि जे उसे ब्याह करी ओके चर अचर सब सेवा करिए और ओके कोई जीत, अब माया के विवश हो गया तो मूड, ठीक नहीं? और प्रभु कहते हैं कि कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी वैदन दे सुनहु मुनि जोगी, इतना बताते हैं लेकिन अब माया के से विमूढ़ है कहां समझ में आ रहा है। तो देखिए जो मर्यादा की सीमा है नाथ उसको ब्रह्मांड का कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती। कब? जब श्री राम जी को हृदय में बैठा लेंगे तब। यानी अब 3-4 साल लोग देखे कि कहीं ना उनका कुछ गलत सही सुनाए तो इन्हें चापल जा, और कहीं कुछ मिला नहीं तो एकदम चोरन की तरह मुंह छुपा के सन्न हो गए, तैसे कैसे भयल पंचम भाई, ऐसे कैसे भयल किसी में की चापी सकई को उतासु अबड़ रखवार रमापति जासु। अरे आदि शक्ति यानी महालक्ष्मी के पति सभी भुवनों के इकलौते ईश्वर महाराज भुवनेश्वर यानी श्री राम जी जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी मर्यादा को कौन दबा सकता है? तो निर्मल मन करवे तब ना अंदर बैठी है, अंदर में रखवे छल कपट तो कहां से बैठी है? ये ने पंचम भाई तो ठीक। जो ब्रह्मचर्य रूपी व्रत का पालन करेगा
उसे कामदेव कभी सपने में भी नहीं सता सकता, ठीक ना? गणेश जी पक्का हो गई ना आप? ठीक। देखिए इसी प्रकार से श्री राम जी की भक्ति करें और जो भी जीव यह बाणी रूपी जो संत पहुंच रहे हैं लोगों के पास, धरती का जो भी जीव छल और कपट का त्याग करके शुरू से लेके अंत तक की बाणी सुन लेगा, वह निश्चित है कि परम धाम पहुंच जाए। बस ध्यान रहे कि कपट त्याग करके, वहां पे कोई समझौता नहीं। और इतना ही नहीं, क्योंकि गणेश जी जो व्हाट्सएप बनाए हैं इसी मोबाइल का सिम लेके बनाए हैं, तो निश्चित है जितने संपर्क होंगे चला गए होंगे तो लोग इस शरीर को तो जानते ही होंगे, नहीं गणेश जी? तो किसी ने कभी भी सपने में भी इस शरीर को किसी भी रूप में एक क्षण के लिए भी अगर प्रेम किया हो तो उसकी मान्यता तभी होगी जब वह छल कपट त्याग करके शुरू से अंत तक की बाड़ी दृढ़ अनुराग के साथ सुनेगा। तब अगर ऐसा कोई नहीं करता है तो वह भूल जाए कि वह कभी सपने में भी, ठीक ना? आत्मा की आवाज बहुत अलग होती है नार। ठीक ना? ऐसा करेंगे तो चरित्र अपने आप ही प्रकट हो जाएगा, नहीं? चरित्र प्रकट हो जाएगा तो सतयुग की स्थापना होगी तो सब लोग दर्शन कर सकते हैं। कुछ करें ऐसे ही मुफ्त में। रवि गुरु कौन अन्याय कर दे, समझे ना? सब कुछ दे के चला गया नौकरे बाद भी, ठीक ना? तो खैर भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा रही, वही है कामारी। तो बिना उनके सहयोग के कामना के कहां, जो लोगन के बुद्धि में नहीं बैठा था कि इसने उम्र में ऐसे कैसे रह लेता है, ऐसे कैसे रह लेता है। याने ठीक। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आप लोग अनुभव किए कि कल जो है किस प्रकार से अश्वमेघ यज्ञ की तैयारी हुई और दशरथ जी जनक जी इतने सब सैनिकों के साथ पहुंचते हैं यज्ञ में शामिल होने के लिए। देवता लोग भी पहुंच रहे हैं, ठीक ना? देखिए जिसका पवित्र भाव होगा वही इन सब बाड़ी को समझ सकता है, ठीक ना? तो श्री रामचंद्र जी राजा जनक जी का आना सुनकर आदर पूर्वक उनकी आगवानी करने के लिए उनके पास पहुंचे और उनसे मिलकर अच्छे स्थानों पर डेरा देने के लिए चले, क्योंकि बहुत लोग हैं। तो आज दोहा नंबर 28 के आगे कथा को समझें, पवित्र भाव में, समझ रहे ना? यह भ्रम कभी मत रखिएगा कि गुरुजी सब रिकॉर्ड हो रहा, हम बार बार सुन के कर लेंगे।
ये होता है तो एक ही बार में हो जाता है, ठीक ना। और इसमें इतना मन रम जाता है कि फिर और कुछ नहीं। देखिए तीन जगह का रामायण यहाँ है, अंग्रेजी वाला है हिंद, और खाली परायण है। पांच प्रकार से रामायण कहा गया और सब जो है चल रहा है, लेकिन यह जो हो रहा है रामायण, यह जो है सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है, ठीक ना। क्योंकि शरीर के साथ सबका जो अनुभव है वो बड़े आराम से इस अवस्था का विश्लेषण कर सकता है। सबको पता है कि अपने बाड़ी से कटने वाला शरीर है नहीं, तो प्रेरणा ही जाएगा ना। ठीक सरयू भाई, तो पूरा बाहर सर यू सुचितीरा बास दीन नृप कहाँ रघुबीरा। तो अयोध्या जी के बाहर सरयू नदी के पवित्र तट पर प्रभु श्री रामचंद्र जी राजा जनक जी के समाज को डेरा दिए, ठीक ना। गांव से गांव के भरे डेरा देव है, एक अर्थ बा कि जनक जी के जितना समाज रहा समाज बा कुल ऐसा हुई अब बटले बा। ब्रह्मांड के बाहर बा तो सब तो बा, समझत है ना। अकेला शरीर देख के अब भ्रमित मत होए। तो सौंपी अनुज कह राम समाजु आए प्रभु जहां नृप मणि राजू। उसके बाद सभी समाज जो मिथिलापुरी से आए हुए हैं सरयू नदी के किनारे डेरा पर हैं, वह सभी समाज अपने प्रिय भ्राता भरत जी को सौंप कर स्वतः राजा जनक जी के साथ यानी उनके पास चले आते, क्योंकि उनको जो है सरयू जी के किनारे नहीं रुकना। नहीं ससुर जी बहन, ठीक ने। देखा सबकर अलग अलग बन है। अब कोई बाबा जी बात उनके घरे में न रखबे, लेकिन कोई दमाद आ जाए तो के जगाते लिया, ठीक ना। माने सबकी मर्यादा है, समझ में तो आवा था कि नहीं, मर्यादा नाम के व्यवस्था नहीं। गणेश जी अगर जो है गणेश जी गणेश साहनी के माता जी का कोई दामाद आ जाए, अब गणेश साहनी कहे चला जगाते लिया कि चलते वो इतना डेरा डाल भाई गोजी से लगी है मारे है। नहीं कहीं पगला गल है बबुआ मरे रहे घाटे उसे मतलब ठीक ने राय बैठल हो। तो मिली पुनी नृपति निकट बैठारे गद गद भय नृप बचन उचारे बदन चूमी निरेखे सब गाता आनंद उमगिन हृदय समाता। देखिए नाथ ये सब पूरे आत्मा रहे हैं। तो श्री राम जी को पास आया देखकर राजा जनक जी उनसे परम पवित्र प्रेम यानी दृढ़ अनुराग के साथ
मिले और परम पवित्र प्रेम पूर्वक अपने पास बिठाकर परमानंद से गदगद कंठ हो गया है और गदगद कंठ से कुछ बोल रहे नीति पर रहेंगे तो सभी आनंदित, क्योंकि अब एक विवेक रूपी राजा का चरित्र हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए नीति तो यही है ना कि यहाँ पर दासी का जगह नहीं। तो उसके बाद कुछ बातचीत करने के बाद प्रभु के मुख को चूम कर प्रेम पूर्वक पूरे बदन को निहारते। वहां पर यह ममता वाला प्रेम नहीं है, उनको पता है कि ये सांसारिक प्रेम नहीं है, ठीक ना? संसार में यही तो दिखाना है कि सांसारिक मोह ममता का जो त्याग न कर सके वह प्रभु को क्या प्रेम करेगा। सरजू भाई उस समय राजा जनक जी को ऐसा आनंद हुआ कि वे प्रेम से फूले नहीं समाए, यानी अब सोच लीजिए ऐसे हैं प्रभु श्री राम जी और प्रकाश का जीव आकर के परम धाम में विलीन हो गया, लेकिन उसे किसी भी प्रकार का कोई प्रेम से कुछ बोला ही नहीं। जब देखे ना तो अंतोगत्वा जाना पड़ा ये समझ करके कि संसार में सिर्फ जो कुचाली है, कपटी है, ठगी है, बस उन्हीं की मान्यता। खैर अब शिव जी की लीला है, अवसर बहुत था नहीं, क्योंकि आप ही लोग देखिए 6 महीने में इतना अनुभव कर लिए, तो जो 3 साल कुल मिला जुला के रहा हो उसे अनुभव नहीं होगा। लेकिन वही माया विवश, तो उसमें अब क्या कर सकते। अब यही है कि जो भी आचरण है उसके द्वारा कलंक सब धुल गया, ठीक ना? शरीर छूट जाए लेकिन अब जो है कि किसी जीव को जो है इस शरीर के अंदर जगह देने का अधिकार ही नहीं रहा, नहीं ठीक। तो आप लोग आत्मवाणी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और इसको जो है बहुत अच्छे से चित्त में बैठाकर आराम से निष्काम सेवा, निष्काम भजन के रास्ते परम धाम को पधार, ठीक। तो प्रभु विनती करी सब सेवकाई और सचिव भरत पुनि लीन बुलाई, अनृप सेवक सब भरत संभारी सुनु खगपति जस कीन है खरारी। उसके बाद श्री रामचंद्र जी प्रेम पूर्वक सबकी विनती कर यथा योग्य सबकी सेवा किए। अब देखो ये शरीर से तो सबसे ठीक ना, फिर भरत जी ने अपने मंत्रियों को बुलाकर आए हुए राजाओं को यथा उचित सेवा सौंप दिए। आए हैं यज्ञ में सेवा के लिए, ठीक ना? पूरी खाए से थोड़ो, ठीक ना? तो जिसके लायक जो सेवा रहा उसको सौंप दिए। और उसके बाद काकभुसुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, इसके पश्चात श्री राम जी जैसा चरित्र किए
अब ऐसा सुनो, माने सुने, ठीक ने? तो क्या किए उसके आगे का चरित्र, कि आय गुरु ही सादर सिरे नाई, मन भावत बरे आशीष पाई, अपुनी प्रभु सकल देवगण बंदे, अभिमत आशीष पाय आनंदे। फिर प्रभु श्री राम जी गुरु वशिष्ठ जी के पास आकर आदर पूर्वक सिर नवाए और मन वांछित वर तथा आशीर्वाद पाए। वो सिर्फ लीला के लिए हो रहा है, उनको कौन आशीर्वाद देगा है? समझे? रविशंकर के जीवन का एक ऐसा भी चरित्र हुआ है, उनको लोग गुड लक या बेस्ट विशेस कहते थे तो किसी का लेते नहीं थे, बल्कि डांट देते थे कि प्रदूषित बुद्धि है, क्या गुड विशेस, यही ना? क्योंकि अगर किसी को पवित्र भाव से कल्याण सोचेंगे तब होगा, झूठे अगर कहां से। ठीक, कोई बात नहीं, माने बहुत सब रहा, क्या करे, जो कुछ रहा रहा। अब बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले नहीं, ये ना? तो सब फूंक दिया गया है, उसमें कहीं कुछ वो नहीं है, क्योंकि आगे का चरित्र हो रहा है तो पीछे वाले लोगों को समझ में आ रहा है कि हम ही लोग गलत थे, तो गलत थे तो सुधर जाइए, और क्या, बस इतने ने, और इतने से सब काम पूर्ण हो गया। बाकी यह शरीर तो कभी भी कहे कि जीव बन करके सांसारिक कोई प्रपंच करे तो संभव नहीं। ठीक, तो पुनि प्रभु सकल देवगण बंदे, अभिमत आशीष पाय आनंदे। उसके बाद प्रभु श्री राम जी सभी देवताओं की वंदना किए और मन चाहा वरदान पाकर बहुत प्रसन्न हुए। लौकिक दृष्टि से तो दस सहस्त्र मुनि गण सहित आए प्रभु मख धाम, अब बोले बचन विनीत गुरु मंत्र सुनहु मम राम। जने तेईस में देखकर राम भाई आ गए। उसके बाद 10,000 मुनियों को साथ लेकर फिर श्री रामचंद्र जी आए और 10,000 मुनियों को साथ में लिए, ठीक ने? उसके बाद आकर के गुरु जी से बोले कि गुरु जी अब यज्ञ के लिए और क्या करना है, सारी व्यवस्था है ही। तब विनम्र वाणी में गुरु वशिष्ठ जी कहे कि हे श्री राम जी, पहले एक मेरा मंत्र सुने। मंत्र यानी मंत्रणा। सुने अपने शरीर से असुमेह किया गोग्रह कुछ और बाकी बा नहीं, कुल तो होएगा, होएगा बाकी नहीं। गणेश जी जाने कहे कि लीला बहुत आगे बढ़ गया बा, नहीं यहाँ कोई एक मौन रहे के जो है व्रत नहीं ले सका। अब धीरे धीरे बाढ़ी जाता तो शायद शुरुआत हो, नहीं तो तब तक कुल
देखो अगर बाड़ी के प्रभाव पड़ जाए, अगर मौन व्रत हो जाए और बाकी एकदम संसार जगत से बिल्कुल वज्र से भी बढ़ के कठोर होना पड़ेगा, ठीक ना, चाहे वो भुवनेश्वरी हो चाहे भाई लोग हो कोई भी हो, आखिर के जब इतनी बड़ी बात हुई और वाह भैया कोई शरीर धरती पे आके इतना सब तपस्या करे और पता चला कुछ नहीं, टाइम टाइम फीस खाली भक्तन का खून पीना सब सीखे। अब यह है कि किसी पर अधिकार नहीं रहा कि कोई करे, तो देखिए मंत्रणा क्या दे रहे हैं कि धर्म सकल जे वेद बखाने संत पुराण लोक सब जाने, अब बिनुती न फल, गणेश जी बिनुती न फल हो ये खरारी, अब चाहिए मिथिलेश कुमारी। समझा, यही में तो पंडित जी फंसा ले ले, जने सुने बड़ा अच्छा है। तो विनम्रवाणी में गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे प्रभु राम जी, वेद और पुराणों में जो धर्म कहे गए हैं उनको संत पुराण और सारा संसार जानता है। आज का संसार नहीं जान रहा है क्योंकि लोग धर्म मानते ही नहीं। क्या जानता है कि बिना स्त्री के यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता है, बिना स्त्री के यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता, तो बताइए शांति सुमति और पवित्रता रूपी स्त्री से बढ़ के कौन स्त्री है धरती पर? कोई से झगड़ाता है थोड़ो करें, अमेरिका से भैया सूचना आयल और पूरे विश्व के खुला हुआ व्यवस्था और जितना ही शरीर से यज्ञ भैल तपागल ये अवस्था पावे बदे वो अश्वमेघ करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ के बराबर बा, ठीक ना। तो कहते हैं कि अब सीता जी का यहाँ होना अति आवश्यक, ठीक ना। अब क्या करें बताए देखा, लेकिन प्रभु के साथ कितना जो है वेद पुराण का करी, प्रभु का आचरण ही वेद, ठीक है। तो सुनि मुनि बचन अमौन प्रभु गहे असत्य असत्य नए को कहे। गुरु वशिष्ठ जी की बाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी सर्वथा ही मौन हो गए और झूठ या सत्य कुछ कह नहीं सके, ये नहीं कहे कि नहीं ये झूठ है ये सत्य है, कहां से कहिए, ठीक ना। लेकिन एकर अर्थ ही नहीं बा कि अब कुछ न कहिए, पहले कुछ मौन हो गए, कहे कि देखत है कि संसार में औरों कोनो बुद्धि कितना उठा बा, कितनो उठी ब्रह्मा जी तक ने, और स्थिति बा कि ब्रह्मा जी के पास भी अगर भक्ति नहीं बन तो उन्हों जो है आम जीव के तरह प्रभु को प्रिय नहीं। अब समझ ले वही धाम में बैठ के बात हो रहा बा, हाँ तो ब्रह्मा जी के जितना सृष्टि के व्यवस्था बा सब देवी देवता सहित लेके सब लोग अच्छे से समझे
कि जो भी जीव हो, देवी हो, देवता हो, मनुष्य हो, राक्षस हो, ऋषि हो, मुनि हो, कोई भी हो, अगर श्री राम जी के चरणों में अनुराग नहीं है तो मेरे लिए, माने अब प्रभु के लिए, अब तो मेरा कुछ रहा ही नहीं है। अब उसी में मिल गया, उन्हीं का हिस्सा हो गए, तो वही मेरे लिए ही कह सकते हैं अब वहां से। क्यों आम जीव के समान प्रिय, ठीक ना? तो इतना बड़ा प्रण हुआ है बिना सतयुग का स्थापना हुए कोई दर्शन वगैरह का जगह नहीं। साफ साफ समझ गया आप लोग भी, और बाड़ी के द्वारा सभी समझ रहे हैं। कोई भी जो शरीर से जो है संबंध रखा हो, मित्र के रूप में, आध्यात्मिक पत्नी पुत्र किसी रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में, कोई भी रूप में, कृपा करके इतना जो है धैर्य की मूर्ति बने, क्योंकि यह प्रभु शिव जी की लीला है और इसमें जो है मार्ग का बाधक न बने। और संकेत जिसको जहां जहां मिल गया है वह या तो अपने व्रत को धारण करे, या तो सपने में भी याद करने की आवश्यकता, वे फिर मेरी भक्ति के लायक हो ही नहीं सकता। यही ना, क्योंकि सत्य के लिए और किसी को कोई बड़ा काम तो दिया नहीं गया, नहीं। लेकिन जो सांसारिक प्रपंच में थोड़ा भी मन रखेगा, ममता का अंश रखेगा, वह ये सब सहयोग नहीं कर पाएगा। देखिए प्रभु श्री राम जी क्या कहते हैं कि मम प्राण बिरद अजानी मुनिराया रहे सुकृत यह करहु जुदाया। फिर हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम जी विनती करते हुए बोले कि हे महाराज, मेरे प्राण और बिरद को विचार कर मेरे ऊपर ऐसी दया कीजिए जिससे मेरा उद्धार, माने कलंक न लग, यही ना, ठीक। यद्यपि उनको पता है कि आगे क्या करना, अगर लोग नहीं बताएंगे तो खुद बता देंगे, लेकिन मर्यादा। तो यहां भी वही हाथ जोड़ के विनती है कि शरीर से दो जीव मुक्त हो चुके हैं, एक किसी अन्य की आत्मा इस शरीर में रह करके सबका मति निर्मल कर रहा, जब तक यह पूरा प्रमाणित न हो जाए, सतयुग की स्थापना धरती पे न हो जाए, तब तक कोई अपना इनको कहने का अधिकार किसी के पास नहीं। और गणेश जी किसी भी प्रकार से कोई मैसेज न भेजे, ठीक ना, क्योंकि अब तो इतनी सख्त स्थिति हो गई कि मोह माया का एक अंश भी रहेगा तो यह चित्त तो उस प्रेम को स्वीकार नहीं करेगा, ठीक ना भाई। जो बात है सफा कह दिया जा रहा, अगर कोई ऐसा मैसेज भेजना या फोन करना, अगर किसी भी प्रकार से अप्रोच करता है तो वह अपने आप को जो है कि जघन्य अपराधी समझे, कोई भी हो, भाई बंधु कोई भी हो, ठीक ना, क्योंकि समझे सब चरित्र होता चला गया और कोई समझा नहीं, तो नहीं समझा, नहीं समझा, लेकिन अब तो अगर समझे तो इतना तो सहयोग करे, इसमें तो किसी से रुपया पैसा नहीं मांगा जा रहा है। और कभी कोई भूल के भी एक सिक्का का सहयोग न करे, क्योंकि यह कार्य तभी संभव है जब लक्ष्मी का स्पर्श नहीं होगा, तभी किसी भी रूप में।
ठीक ना। क्योंकि श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिना श्रद्धा के धर्म हो ही नहीं सकता। तो लक्ष्मी का जितना ऐश्वर्य है उन सबको उल्टी की तरह त्याग किया जा चुका। अब लक्ष्मी के ऐश्वर्य से कुछ लेना देना नहीं है। तो दो गुरु मिली नारद सन कादी, अब बचन कहे सुनो परम अनादि। तो श्री राम जी की ऐसी प्रार्थना सुनकर गुरु वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, नारद जी और सनत सनंदन सनातन एवं सनत कुमार जी सब लोग मिलकर विचार किए और उसके बाद श्री राम जी से विनम्र भाषा में कहे, ठीक ना, क्योंकि अब ऐसा संभव ही नहीं है। तो कनक जटित मड़ी सुंदर बाला, रचिसी रूप सुशील विशाला। तो कहते हैं कि हे प्रभु, हम सभी परम पवित्र वचन कह रहे, आप एक सीता जी के समान रूपवती सुशील मणियों से जटित सोने की मूर्ति बनवाए और वही यज्ञ में साथ। तो मानसिक मूर्ति सब बैठा ही है अंदर। तब मुनियों की आज्ञा पाकर श्री राम जी वैसा ही किए। तो अंग अंग सब भूषण साजे, तासुरूप लखी रतिपति लाजे। असहसा लखी न स कही नर नारी, सियही देखी सब अचरज भारी। अब सोने की सीता जी की मूर्ति बनाकर उनके अंग प्रत्यंग आभूषणों से सुसज्जित कराए गए, जिनका रूप देखकर कामदेव भी लज्जित हो गए, ठीक ना, और सभी स्त्री पुरुष उस मूर्ति को देखकर एकाएक पहचान न सके कि ये वास्तविक सीता जी है या तो मूर्ति है। अचानक पहचान में, मतलब बिल्कुल वैसा ही। तो तेहि अवसर शोभाय अधिक, अको कवि वरण पार, अजगदाधार कृपालु प्रभु, किन्हे चरित अपार। याने सरजू भाई, उस समय की शोभा इतनी विशेष थी कि कोई कभी उसका ठीक ठीक वर्णन नहीं कर सकता। और उस समय संसार के आधार यानी जगन्नाथ, जगत के नाथ श्री राम जी ऐसे अनेकों, एक दो नहीं, अनेकों विशेष चरित्र की, ठीक ना। देखिए जो चरित्र हो रहा है, बताइए कौन वर्णन कर सकता है, है? शरीर रवि गुरु का दू जीव गायब कर जा। अब देखो गणेश जी का बुद्धि हो तो गणेश जी काफी कुछ कर सकन है, ठीक।
ऐसे ही जो भी अब चरित्र होगा वह अति विशेष ही होगा, ठीक ना? तो मणि ने जटित सुंदर मृग छाला सीय सहित आसीन कृपाला असुर नर मुनि सब ही मन माही करी प्रणाम मने अति हर्षाही। तो सुंदर मणियों से जड़ी मृग छाला पर सीता जी सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी विराजमान। नहीं, अब देखो शांति सुमति पवित्रता लिए विराजमान बाकी नहीं सर, वही है और का। अब एकर कोई मूर्ति बने तो बने, नहीं तो बनी तो पहचान करवे दूजने बैठे भाई चंगू मंगू ये ने। कुछ नहीं, भरत जी लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी तीन मूर्ति से जब ये चरित्र होई, भुवनेश्वरी भरत जी, अनुराग लक्ष्मण जी और अनुष्का शत्रुघ्न जी तीनों का चरित्र जब स्थिर होगा तब आप लोग यहाँ सूचना दे सकते हैं। उसके पहले कोई याने ये कहना की आवश्यकता नहीं। अरे ऐसे कैसे होई राम जी भाई, कहिए ऐसे ऐसे होई, पूरा रबार सुनो अच्छे से, ठीक ना? क्योंकि देखिए जो स्थूल तत्व है उसका दान तो बड़े प्रेम से कोई कर सकता है, लेकिन भाव तो अपने अंदर खुद ही प्रकट करना होगा नाथ ने, नहीं? और भाव प्रकट हुई तो गणेश जी उत्पन्न होवे करिए, दशरथ जी उत्पन्न होवे करिए, सरयू जी निर्मल होवे करिए, नहीं होता है, ठीक ना राम सिंह भाई? पवित्र रहबा तो सामने वाला आदमी का पवित्री अपने आप होना ही होना बा, आखिर के चरित्र सब हो ठीक। और कोई कोनो ध्यान है नहीं, रवि गुरु यही से सब कुछ चरित्र करके चला गए कि बर्फ के ऊपर जाके बैठो, पेड़े के नीचे रहो, पानी में भीगो और श्मशान पे बैठो, कितना बढ़िया आनंद ले बुधिया है। तो मुफ्त का आनंद कोई आगे ले तो नहीं, जहाँ हुआ जाके कहीं बर्फ पे जाके बैठे कोई आनंद ले बुधी नहीं, क्या कर भाई यहाँ शंका के बीमारी से सबका बुद्धि ग्रसित बा राम जी भाई जने, ठीक। तो देखिए अब उन्हें देखकर देवता मुनि मनुष्य मन ही मन प्रणाम करके मन में अत्यंत आनंदित होते, और धरती के लोग कहते हैं ढोंग कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि वो देवता मुनि मनुष्य नहीं। गणेश जी बात तो देखो ये निष्कर्ष न, तो भीरे अपारे लखी गुरु ज्ञानी सिद्धि बुलाए सकल सनमानी, कहा जाए या लय सब
और जस कछु चाहिए सोई अनुसरहूं। जब गुरु वशिष्ठ जी देखे कि अपार भीड़ लग गई तो उनके पास आठों सिद्धियां थी, अरिमा गरिमा महिमा लगिमा प्राप्ति प्राकम निषिद्ध वशिष्ठ सब। तब सभी सिद्धियों को आदर पूर्वक बुलाकर उनका सत्कार करके और कहे कि तुम लोग जाकर सबका यथा योग्य भवनों का निर्माण कर सबकी सेवा करो और जैसी आवश्यकता हो वैसा करो। अगर जगह के यहाँ कुल सिद्धि बात हो अपन सिद्धि सिद्धि से अपन महल बनवावे भक्तन बदे दूसरे के पैसा कहे चुसता है राम जी भाई। हाँ भाई अगर नाटक करे बहन जन तो कहिए कि हमारे ही कारण तो सब भक्त ला रहे ने, ला नहीं रहे तू ठग है लूटा है। बेवकूफ मत बनाओ, नहीं तो बस ऐसे जंतर मंतर सुहा करके फड़ा कर माल तैयार कराओ का अंकनी संकनी डंकनी पिजासनी का गोल है नहीं। पता नहीं वो श्लोक याद बा, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। पता बा कि नहीं आपको बिल्कुल ठीक ना। फिलहाल यहाँ अब कोनो नारी का लक्ष्मी तक कोनो अर्थ नहीं बा। हाँ यहाँ की सम्मान सबका बा ठीक ना, सम्मान में कमी नहीं बा, लेकिन माया के प्रति उतना खूंखार रुखो भाई हो जान ले। सम्मान सबकर बा का मतलब कि जेकर मन पति चरण से अलग बाजन है राम सिंह भाई शिवधन के नानी के बिटिया तक एकदम ना लग बा ठीक। ठीक ना, तो निश्चित है कि जिसके पास सिद्धियां सिद्धियां है वो यह कार्य स्वतः कर लेता। अब एक कन्फर्म समझो, वो भक्तों का खून नहीं पीता। ऐसे ही वो भी किए थे भरद्वाज मुनि, भरत जी जब आए वो भी किए थे। अब तो दो प्रमाण होएगा यह ना राम सिंह भाई ठीक। तो सुनि रजाय रघु पति रुख पाई रचे कोटि गृह विधि लजाई। यानी तो ऐसा नहीं है कि वो सिद्धियां बिना श्री राम जी के रुख के काम करेगी। हाँ वे सिद्धियां मुनि की आज्ञा पाकर श्री राम जी का रुख देखकर करोड़ों सुंदर गृह बना दिए। यानी करोड़ों जिसे देखकर ब्रह्मा जी भी लज्जित हो। ठीक ने, और यह रिद्धि सिद्धि का त्याग कर बे तब जाके एकदम अनंत का अवस्थावान है। काहे की सब देखो ही कि नहीं बा कुछ हो। असुर सुर अभिसुर तरु सुख खानी शारद शेषन सकही बखानी। तो ऐसा नहीं कि खाली ऐसे ही महल तैयार बा, वहां पर सुख की राशि कामधेनु और कल्प वृक्ष भी उपस्थित, वहां के वैभव का बयान शेष जी और माता सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। ठीक ना, तो पूरे गृह बाहर
गली अटारी अभरी सुगंध रची सकल सवारी रहे तहां दिसी पालयने का जे परमारथ निपुण विवेक। अयोध्यापुरी के बाहर भीतर गली और अटारियां सब सुगंध से भरी हुई और परोपकार में निपुण और ज्ञानी अनेकों दिक्पाल वहां संरक्षक के रूप में, ठीक है, दिक्पाल जो दसों दिशाओं के हैं वे लोग सब रक्षा कर रहे। तो जे निपुण परम विवेकी तिन कहा भरत लखी राखे तही निज भाग्य प्रबल सराही निद रही धन देखी पदवी कही आए त्रिलोकी नाग खग सुर असुर जे विधि ने रचे असन्मानी सकल सने है सादर राम सन को ना बचे। अब देखें भरत जी जो परम विवेकी और निपुण दिक्पालों को वहां रखे हुए है वे लोग वहां का आनंददायी उत्सव देखकर कुबेर की संपदा का भी निंदा करते। यानी अब देखो ये सब जो दिव्य रत्न आप लोगन के मिल रहा बा ये सब कहां बा? स्वर्ग वगैरह में भी नहीं बा, समझो कहे कि एकरे सहारे आप धाम तक जाइबे नहीं। और गुरुआ के यहां से ये सब मिले चाहिए और गुरुआ खुदे कामना कर नौकर बा तो कहां से दे। और ये दिक्पाल लोग अपने अपने भाग की सराहना करते। ब्रह्मा जी ने त्रिलोकी में नाग पक्षी देवता राक्षस आदि जितने भी रचे हैं वे सभी उस महोत्सव में आए हुए और श्री राम जी उन सबका आदर सत्कार बड़े प्रेम भाव से किए। ऐसा कोई नहीं छूटा जिसका सत्कार श्री राम जी न किए। ये शरीर के साथ उकुल होएगा बा सभी के प्रेम भाव से पंचम भाई जनन है। लेकिन जब सबके प्रेम मिले लगा तो सब लोग चढ़ गए जो है कपारे पर आउ लगे जो ना इपा तो उड़ा मारे। अब सामने आवा के कोई कहे ताकत कहाँ बा? अबे अवस्था में का मुंह दिखाई है? जबकि डरो के जरूरत नहीं बा। अरे जोन गलती भा प्राश्चित करके आराम से जो है कि प्रभु के चरण में लीन हो सकन है। लेकिन अहंकार रूपी जो है राक्षस रोके बा हम जाएंगे उनके सामने करो वही में न गणेश जी यहाँ क्या क्या जरूरत है बा क्योंकि श्री राम जी अनाश्रित हैं उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। ठीक
तो बाण सहस बर वीर युग असुंदर परम प्रवीण अजान ही श्रुति कर मत सकल अरहिमख संग अधीन। अब देखिए यज्ञ होने लगा जहां पर 10,000 सुंदर और साहसी परम प्रवीण नीति को जानने वाले योद्धाएं वे चारों तरफ से यज्ञ की रक्षा कर रहे, समझे? सब हो रहा है, सब अलौकिक रूप से पूरे ब्रह्मांड के जीव लगे हुए हैं, क्योंकि हर कोई विकल हो गया है ना। देखो और बस हो रहा है नाथ ही शरीर के माध्यम से। अब इच्छा प्रकट ही नहीं करना है, प्रकट करना तो दूर की बात है, चित्त में इच्छा को उत्पन्न भी करने का अधिकार नहीं रहा। अब जबरदस्ती कोई कहे कि नहीं आप इच्छा उत्पन्न करिए तो वह दुश्मनी हुआ ना, क्योंकि इतना बड़ा प्रण को जो है जिस प्रकार से जो आवश्यकता है सपोर्ट का वैसे सपोर्ट करना चाहिए ने। ठीक है, होगा, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे जब अनुभव होगा वो और कुछ समय तक पानी में बर्फ पर ऐसे ही सब पड़ा रही शरीर तो लोग अपन अपन चरित्र के हो सकला ले जौन भी करें। अब जौन शिव जी करिए हुए सब करी, लेकिन जब शिव जी की मानी है तब न शिव जी के अनुसार चलिए, और जब मनवे न करवे है जी। तो देखो अब यज्ञ शुरू होएगा, अश्वमेध यज्ञ। कभी मेरा सूती खा गया उसमें क्या वो कुल बीत गल आपका इनका कुल बीत गा। अब इन कहा अलग से बयान गणेश जी नहीं सरजू भाई ते तोहार जांच शुरू हो जाए धाम बोम माया मिट गा गणेश जी एक आध दिन घूमत फिरत के जा ठीक नहीं सरजू भाई काफी हद तक जो है जितना ताकत रहा लगा दे इनकी ये बात नहीं बा राम जी भाई। तो माघ मास ऋतु शिशिर सुहाई अमख मंडप बैठे रघुराई तब बोले गुरु बचन सुहाए आनहुं बाजी जो वेद जनाए। शिशिर ऋतु शिशिर जनल ठंडी वाला माघ महीने और शुक्ल पक्ष में श्री राम जी यज्ञ मंडप में आसीन हुए तब गुरु वशिष्ठ जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहे कि श्याम कर्ण वाला सफेद घोड़ा मंगवाए जिनका विधान वेदों ने बताया है, माने घोड़ा सफेद हो लेकिन कान काला हो। देखे भाई कभी ध्यान दे।
अब कहाँ भाव के, कहीं भाव तो सब लुप्त हो गया बात, कहाँ उसन जीव उत्पन्न हुई है। तो कोई बात नहीं, तो लक्ष्मण सुनी गुरु बचने अनंदे, बार बार पद पंकज बंदे, हय साला सादर चली आए, विविध विभूषण ते ही पहिराए। गुरु जी की बात सुनकर श्री लक्ष्मण जी बहुत ही आनंदित हुए और बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना किए, फिर प्रसन्नता पूर्वक घुड़साला में जाकर यज्ञ वाला घोड़ा लेकर उसे भांति भांति के आभूषणों से सुसज्जित करके तब गुरु जी के पास ले आए। अश्वेत वरण सुंदर श्रुति कारे, अहरिहय चितव मनोज सवारे, अजिन जराऊ न जात बखाना, अचढ़ी रथ आवते रवि जग जाना। वह सजा हुआ श्वेत वर्ण और सुंदर कान वाला घोड़ा उस समय ऐसा मालूम पड़ता था कि मानो कामदेव जी ने अपने हाथों से सवार कर बनाया। उसकी जड़ाऊ जीन बखानी नहीं जाती, मालूम पड़ता है कि मानो सूर्य भगवान रथ पर चढ़कर आ रहे। ठीक ने, फिलहाल वो दिखाता यहां से, आप लोग खाली अनुभव करो। ठीक ने, तो माथे मोर पछमणि लागे, असो नभ नखत देखी अनुरागे, असेवक चारु पाट मय डोरी, दामिनी दमकिनी कटयति थोरी। उस घोड़े के सिर पर मोर पंख का मुकुट और लगी हुई मड़िया ऐसी जगमगा रही है कि मानो स्वच्छ आकाश में तारे चमक रहे। अच्छे अच्छे साज है और रेशमी बागडोर ऐसी चमक रही है जिसे देखकर बिजली की चमक भी मात हो जाए। ऐसा घोड़ा ले आए जने। तो खष्टी सहस संग वीर बर, रामानुज रणधीर, अश्याम कर्ण लायो सुघर, जहां राम रघुबीर। 60,000 योद्धाओं के साथ वीर लक्ष्मण जी उस श्याम वर्ण के घोड़े को लिए हुए श्री रामचंद्र जी के पास यज्ञशाला में आई। ठीक ने, देखिए नाथ, आज विचार विवेक भक्ति कही है नहीं, इतने सरल शब्दों में बाढ़ी जा रहा है, फिर भी सब बहरे हो चुके हैं नहीं। क्या करेंगे, तो अब घोड़ा को छोड़ी दिया जाए नहीं, कि रात भर यह के चला देवे है, छोड़ दे। तो पूजे उ है प्रभु
जग जय हे तू अजस कछु कहा गाधी कुल के तू अदिन विविध विधि दान अनेका लिखे पत्र सोई करी अभिषेक। फिर विश्वामित्र जी के कहने के अनुसार श्री रामचंद्र जी उस विश्व विजय करने वाले घोड़े का पूजन किए। ठीक है, पूजन का अर्थ होता है पूरा का पूरा सम्मान। ठीक है, सम्मान ही पूजा है और क्या। और अनेकों प्रकार से ब्राह्मणों को दान दिए, उसके बाद अभिषेक करके स्वर्ण पत्र लिखा गया। ठीक ना, तो एक कबीर कोसलपुर माही अरिदल दलन सुरेश सकाही अजही बल होय गहे सोई बाजी अदेहू दंड बने जाहू की भाजी। उस पत्र पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने हाथों से लिखे हैं कि अयोध्या में एक वीर पुरुष है जिन्होंने शत्रुओं की सेना का संहार किया है और जिनसे देवता भी डरते। विचार करिए, सभी देवता त्राही माम तो कर रहे हैं। ठीक है, तो असुरों को मारकर देवताओं को नहीं, अब प्राण दिया जा रहा है। यही न गणेश जी, और उन्हीं श्री राम जी का यह घोड़ा छोड़ा गया, इसलिए जिसको समर्थ हो वह इस घोड़े को पकड़े, नहीं तो राज दंड देवे या तो भागकर वन में चला जावे। नहीं तो ये बाणी रूपी घोड़ा छूटता है, बात समझ ले, क्योंकि सारा विश्व वह पराजित हो चुका है। कपट दंभ पाखंड पूरा धरती इन तीनों से पट चुकी है या सिद्ध हो चुका है। फिर भी गणेश जी आप चाहे तो इस बाड़ी को अश्वमेघ का घोड़ा बनाकर पूरे विश्व को बता दीजिए, क्योंकि जनता के अंदर जागृति हो, मानसिक पवित्री हो, धर्म की स्थापना हो, ये सब जो है शिव जी की प्रेरणा है। अगर शिव जी का कोई सेवक है तो सन्मुख हो, नहीं तो सब जो है कि माया के अगर विवश हैं तब तो कोई मतलब ही नहीं है, तब प्रलय का कार्य शुरू हो, दो में से एक काम हो। नहीं, भगवान के सब लीला बा, यहाँ सजने अहंकार छोड़े कि पंचम भाई तैयार। ये नहीं, पंचम भाई सब समझते हैं इनकी। ठीक, तो लिखी बाधेउ है शीश सवारी अते ही सुनी पुनी माए मुनिचारी। ऐसा पत्र लिखकर घोड़े के सिर पर अच्छी तरह सवार कर बांध दिया गया। ठीक ने, और भार्गव आदि मुनि बहुत से मुनियों को साथ लेकर सूर्य कमल के पतंग श्री राम जी के पास आए। जने कहे की समस्या बा, कोई कहीं कहे जाला, जब कोनो के समस्या रहला लालच रहला तबे ने, बिना लालच के कोई कहीं नहीं जाए अपने से। ध्यान दे, मैं बड़ा बारीकी बा। तो आए
और तब तक वह घोड़ा छोड़ दिया गया, ठीक ना। अब आए हैं तो इनकी भी सुन लिया जाए थोड़ा सा, ठीक ना। तो कथा सकल लवड़ा सुर केरी, अमुनि ने त्रास दीने जनु घेरी, असुन ऋषि बचन नयन जल छाए, बिहसी राम निजे त्रोड़ मंगाए। तो सभी लोग आकर, एक असुर उत्पन्न हो गया था, उसका नाम था लवड़ासुर, ठीक ना। उसकी सारी कथा सुनाए, क्योंकि क्षत्रिय विरही तो रक्षा करेंगे, अब वो आज अपने धर्म से अगर भटक जाए तो फिर पाखंडी लोग तो उधैवे करेंगे, नहीं जो हो रहा है। अब सब के सब जो है ना पाप परायण सब नर नारी, अब इसमें किसी का दोष नहीं है, लेकिन कलयुग के इस प्रभाव को समझना, अगर विवेक अगर थोड़ा भी बचा हो तो उसकी सारी कथा सुनाए लवड़ासुर की, जो मुनियों को बहुत ही त्रास दिया है, ठीक ना। तो मुनियों की बात सुनकर श्री राम जी के नेत्र अश्रु पूर्ण हो गए, क्योंकि भक्तों को कष्ट होता है तो प्रभु को कष्ट, बाकी उनको गाली दीजिए अपमान करिए उससे उनका कुछ लेना देना। तब अपना तर्कस मंगवाए, ठीक ना। अदिनी रिपु सुदन ही सोई, अबाणे अमोघ कराल, अमंत्र मोर पढ़िता ही हति, जीतहूं सकल भुआल। उस तर्कस से एक अमोघ बाण निकाल कर श्री राम जी शत्रुघ्न जी को दिए और कहे कि मेरा मंत्र पढ़कर और लवड़ासुर को मारकर फिर समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त, ठीक ने। आज कुल जो है लौड़े सुर के चमचा बहन ने, अब राम सिंह भाई शत्रुघ्न जी बने के तैयार हुए तो वो अमोघ बाण दिया। देखा भाव उसने खाली लिया हुआ गणेश जी, जाने सारी व्यवस्था प्राप्त हो जाई, बस भाव परम पवित्र हुए के। तो इसी बाणी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, अहरा यही है दृढ़ अनुराग का होना परम आवश्यक है, और उसी से सारा कल्याण होना। और जब तक मोह जाएगा नहीं तब तक दृढ़ अनुराग होगा नहीं, और मोह जाएगा तभी जब ये भगवान की कथा को कपट त्याग करके कान मन बुद्धि और चित चारों लगाकर जीव जब सुनेगा तभी न समझ में आएगा कि मैं अलग से कुछ हूं नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।